हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। चलिए आज हम बनाते हैं अंडा पकौड़ा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर दो आलू ले ली हूँ। ये उबला हुआ आलू है, ये मीडियम साइज़ के मैं दो आलू ली हूँ, ना ज़्यादा बड़ा है ना छोटा है। देखिए यहाँ पर इसे हम कद्दूकस कर लेते हैं। इसके लिए हम मसाले भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैं हरा धनिया ली हूँ, यहाँ 5 से 6 कली ली हूँ लहसुन का, 4 हरी मिर्च है, 1 छोटा अदरक का टुकड़ा है, जिसे हम चॉपिंग बॉल में डाल करके हम इसे चॉप कर लेंगे। ऐसे ही हम इसमें डाल देंगे सारे मिर्ची को, दो दो टुकड़े कर देंगे जो बड़ा है। सारे इसमें डाल करके मसाले हम इसे चॉप कर लेंगे। ये चॉप किया हुआ मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ऐसे ही आपने सारे मसाले को चॉप कर लेना है। ये यहाँ पर मैं आलू कद्दूकस कर चुकी हूँ। यहाँ पर 1 चम्मच में मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर ले रही हूँ, नमक स्वाद अनुसार डालें। यहाँ पर 1/2 मैं नींबू इसमें डाल रही हूँ, नींबू का रस। अंडा पकौड़ा बहुत टेस्टी लगता है। इफ्तारी के टाइम में ऐसे ऐसे नाश्ते बना करके हम ले सकते हैं। अब चॉप किया हुआ मसाले मैं यहाँ पर सारे इसमें डाल दूँगी। आप चाहे तो मसाले के फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर चॉप करके ले रही हूँ क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब सारे हम मसाले के मिक्स कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मिक्स हो चुका है, इसे हम साइड करते हैं। मैं यहाँ पर 1 कटोरी बेसन ले रही हूँ। यहाँ पर इसमें हम अपने मसाले भी डाल देते हैं, नमक स्वाद अनुसार डालें। 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ले रही हूँ यहाँ पर। इसे हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसमें मिक्स करना है। एक ही बार में ज़्यादा पानी ना डालें, नहीं तो गुठलियाँ पड़ जाती हैं। यहाँ पर देख लीजिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मिक्स कर ली। यहाँ पर मैं 1 गिलास पानी ली थी, 1 गिलास से थोड़ा कम पानी लगा है, 1 गिलास पूरी पानी नहीं लगी है मुझे घोल बनाते हुए। देख लीजिए यहाँ पर मैं अंडा बॉयल ले चुकी हूँ, यहाँ पर बॉयल कर चुकी हूँ पहले ही मैं अंडे को। अब इसे बीच से हम काट लेंगे, अंडे में चीरा लगा देंगे, बीच से 2 हिस्से कर देंगे। ऐसे ही हम अपने सारे अंडे को काट लेंगे बीच से बीच। अब अपने मसाले को अंडे पर ले करके हम चिपका लेते हैं ऊपर से। ऐसे ही हमें चिपका लेना है सारे अंडे पर। हम अपने ऐसे ही हम मसाले को फैला लेंगे। ऐसे ही हम अपने अंडे पर सारे मसाले लगा लेंगे, सारे अंडे पर ऐसे आराम आराम से लगा ले। देखिए यहाँ पर पूरे लगा चुकी हूँ मैं। अब चलते हैं, अब फ्राई हम इसे कर लेते हैं। यहाँ पर तेल गरम हो चुका है, अंडे को डिप करके मैं तेल में डाल रही हूँ। यहाँ पर तेल को अच्छे से गरम कर ले। ऐसे ही हमें मीडियम गैस पे हमें फ्राई कर लेना है। ऐसे अच्छे से हम फ्राई कर लेते हैं। जब गोल्डन कलर का हो जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। इसे उलट पलट के हमें फ्राई कर लेना है। देखिए अब हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। ये अंडा चक बहुत अच्छा लगता है खाने में। देखिए दोस्तों कितना बढ़िया लग रहा है ये। ऐसे ऐसे नाश्ते बनाएं, अपने इफ्तारी के ऐसे नाश्ते बना करके तैयारी करें। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।